हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे दिन भर पढ़ते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा भी मनोरंजन के लिए समय नहीं निकालते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि देखिए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है। आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप सुबह घूमने जाइए, थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग करिए, और हो सके तो थोड़ा सा कुछ आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व रहिए। चेस भी खेल सकते हैं घर के अंदर, चेस खेलिए, कैरम खेलिए। इससे क्या होगा, आप लोगों की काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ, तो मैं शाम तक उतने एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाऊँगा जितनी एफिशिएंसी मैं मॉर्निंग में कर पा रहा था। क्योंकि मॉर्निंग में मैं सोकर जस्ट उठा था, तो मैं पढ़ने बैठा था, तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मुझे याद हो रही थी, जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा था। लेकिन एक समय के बाद मैं ये फील करने लगूंगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में मुझे जहाँ पर 30 मिनट्स लगने चाहिए थे, वहीं पर मुझे 1 आवर से भी ज़्यादा का समय लग गया। वॉट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ कि अब मेरे माइंड में थकावट आ चुकी है, मैं थक चुका हूँ मेंटली। हो सकता है फिजिकली मैं ना भी थकूँ, क्योंकि मैं तो बैठे बैठे पढ़ रहा हूँ, एक ही जगह पर बैठा हुआ हूँ कंटिन्यूसली। तो बेटर है हम हर 2-2 घंटे में थोड़ा सा ब्रेक लें, कुछ अच्छा काम करके आए, कोई एनर्जेटिक वर्क करके आए, जिससे क्या होगा, हम लोग का माइंड जो होगा वो थोड़ा सा डाइवर्ट होगा पढ़ाई से, और फिर वापस से जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर फुल एफिशिएंसी के साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है सभी ऐसे स्टूडेंट्स को कि भाई आप पढ़ाई करिए। मैं तो मतलब पूरा सपोर्ट करता हूँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा इन्जॉयमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए। अभी गेट को आने में समय है, लास्ट मोमेंट पर आप पूरा पढ़ाई पर फोकस रहिए, बाहर घूमिए मत दिसंबर जनवरी के टाइम पे। लेकिन अभी समय है, तो अभी से इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए कि आप थोड़े समय के बाद ही टूट जाए। मैं वो टूटना वाला फेस नहीं देखना चाहता आपके जीवन में। तो यदि आप टूटना नहीं चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी अपने लाइफ में लाइए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से एफिशिएंटली कर पाए। मेरी आप सभी को गेट 2023 देने वाले एस्पिरेंट्स को अभी से बहुत सारी शुभकामनाएँ। All the very best.